तो पीसीएम स्टार्ट ऐसे पर्सन से कोशिश करेंगे जो फर्दर किसी और के रिस्पेक्ट में ना बैठा। तो हम यहां से स्टार्ट करें, यहां से करें, यहां से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट टू एंटी क्लॉक ऐसे होगा, लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ चलते हैं, तो हम हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि अपने आप को भी करेक्ट कर पाते हैं। राइट गया जी, लेफ्ट गया, आसान हो जाता है। कोई ऐसे तो करता नहीं है, बगल में पेपर रखी सिटिंग अरेंजमेंट ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पी हमने, आप चाहे तो कहीं से स्टार्ट करो, ऊपर से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पी के राइट में क्यू क्या है, थर्ड, एक दो तीन, यहाँ पे क्या होगा, जो सर्किल में आ चुके हैं जब तक उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बच रही है हम किसी और पर्सन को नहीं रखेंगे। ये बहुत मेजर वाली बात है। तो क्यू और पी से रिलेटेड, क्या क्यू से रिलेटेड क्या क्या है, क्यू क्या एडवाइस क्या है, ए दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा क्यू की राइट में आर क्या है, ए दो तीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू किसका पड़ोसी है, यहाँ पे हो सकता है, फिर यहाँ पे। अच्छा ये एक ऐसा रीडिंग का पार्ट है जो पॉसिबल सेंटेंसेस होते हैं उसकी समझ आपको होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा क्यू थर्ड, क्यू सेट थर्ड टू द थर्ड, सॉरी क्यू सेट थर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ पी, तो आपको पॉसिबल सेंटेंस समझ आना चाहिए कि यार ये राइट में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने समझ में आया यू और मी पड़ोसी है, तो आपके दिमाग में दोनों बातें आएंगी, यू और मी में, तो दोनों बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब क्या है, कोई इंफॉर्मेशन बची तो यू को कैसे चेक करेंगे, यू के राइट में जब क्या है, थर्ड है, तो हमने क्या चेक करना है, यू को अगर यहाँ ले तो एक दो तीन डब्ल्यू नहीं आएगा, तो यू को यहाँ ले तो एक दो तीन डब्ल्यू आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और बचा हुआ पर्सन हमें परेशान होना चाहिए क्योंकि क्या डेफिनेट नंबर पर्सन है, तो बचा हुआ कौन आएगा, तो ये आपका सिटी छोटा सा। तो कौन कौन से मुद्दों पर ध्यान देना है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए डेफिनेट में भी क्या आना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी रेस्पेक्ट में बैठा है इंडिपेंडेंट, वहां से करेंगे शुरुआत करेंगे, जो सर्किल में आ चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कोई भी बचनी नहीं चाहिए कहीं भी हो, कोई प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। तो एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, लेट्स सी, पहले क्वेश्चंस के तीन चार सवाल करेंगे, उसके बाद इनसाइड आउटसाइड करेंगे।